सोते तकदीर के महे फकीर आली महे फकीर आली सब सोते तकदीर के सब सोते तकदीर के महे फकीर आली महे फकीर आली अरे सब सोते तकदीर के महे फकीर आली महे फकीर आली अरे सब सोते तकदीर के महे फकीर आली महे फकीर आली ओए सब सोते तकदीर के सब सोते तकदीर के महे फकीर आली महे फकीर आली फकीरी आली फकीर बनना बहुत कठिन है और मोता कह देना बहुत आसान है। इस दुनिया में कवि लोग लिख के गए कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे राम सभी के प्यारे एक बाप के दो बेटे ये भाग लिखा दिए न्यारे। बाप इज्जतदार है और उसका छोरा जरूरी नहीं कि इज्जतदार बने छोरा कुकर में भी लिकड़ सके है। बड़े बूढ़े कहते हैं बदल जाते हैं अंश बदल जाते हैं अंश जैसे हिरण्यकश्यप का प्रहलाद हुआ और उग्रसेन का कंस। ये सब तकदीर की बात है। क्या लिखा रमाए फकीर आली सोते तकदीर के सोते तकदीर के वही फकीर आली वही फकीर आली माए फकीर आली सब सोते तकदीर के सोते तकदीर के माए फकीर आली और माए फकीर आली सत्संग का कार्यक्रम है जागरण है और जागरण उसे कहते हैं जहां जागृति पैदा होती है। अगर जागरण में किसी भी भजन का एक बोल भी आदमी के समझ में आ गया और उसने दिमाग में धर लिया अपने जीवन पर लागू कर लिया कलाकार का गाना बजाना सफल हो जाता है। कवि कहता है कोई सदा बरत लारा से किसी ने भीख मांग के खाली सब सोदे तकदीर के माए फकीरी आली कोई जस दुनिया में कर जा से कोई सर बदनाम
दुनिया में घर क्या छे तुए सर बदनामी घर क्या छे ओए जस दुनिया में घर क्या छे तुए सर बदनामी घर क्या छे जस दुनिया में घर क्या छे तुए सर बदनामी घर क्या छे ओए जन्म कवार मर जा से ओए जन्म कवार मर जा से ओए जन्म कवार मर जा किसे ने बहु प्याली रवाए फकीरियाली सब सोते तकदीर के सब सोते तकदीर के माहे फकीरियाली माहे फकीरियाली सब सो और आखिर में दादा ने कहा दुनिया में बिना भजन के नहीं सराएगा। कोई किसी ने मान लो, चाहे पीर बाबा ने मान लो, शंकर भगवान को मान लो, चाहे कोई दंदन सतगुरु ने मान लो, पर मान लो कर्म की करनी है, जो जैसा कर्म करे वैसा फल मिले है। क्यों? एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जा हंस अकेला। आखिर में क्या बताया दादा लक्ष्मी ने, क्या बताया? फकीरी आली माहे फकीरी आली।